बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को बॉलीवुड का खिलाड़ी कहा जाता है और कहा भी क्यों ना जाए। जिस फिल्म में अक्षय होते हैं उस फिल्म को पहले से ही सुपरहिट मान ली जाती है। उनकी फिल्में दर्शकों के दिलों में घर कर जाती है। बता दें इस समय पर अक्षय कुमार अपनी दो फिल्मों को लेकर चर्चाओं में हैं, जिनमें से पहली फिल्म है हाउसफुल 4 तो वही दूसरी फिल्म है लक्ष्मी बॉम्ब। जी हाँ, इन सब के बीच अक्षय कुमार को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें अक्षय कुमार की दो बड़ी फिल्मों को जी हाँ बॉलीवुड के यंग एक्टर ने हथिया ली है और ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि कार्तिक आर्यन है। जी हाँ, कुछ समय पहले आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि अक्षय कुमार की फिल्म भूल भुलैया के सीक्वल में यानी कि भूल भुलैया पार्ट 2 में कार्तिक आर्यन का पोस्टर रिलीज किया गया था, जिसमें कार्तिक आर्यन काफ़ी अलग अंदाज में नजर आए थे। वहीं हाल ही में अब खबर ये आ रही है कि कार्तिक आर्यन ने अक्षय कुमार की एक और फिल्म को हथिया लिया है, जो फिल्म है हेरा फेरी पार्ट 3। ऐसे में ये भी खबर कितनी सच है या गलत, इस पर तो अभी पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन बता दें आप सभी लोगों को, कई जगहों पर ये चर्चाएं बढ़ने लगी है कि आने वाले समय में अक्षय कुमार पर कहीं कार्तिक आर्यन भारी न पड़ जाए। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।